क्या लगा है जबरदस्त। महामानव बुद्ध की महान विद्या विपश्यना 5 जनवरी 2012 मॉर्निंग गाइस। दोस्तों इस वक्त हो चुका है 7:25। हम खा रहे हैं मखाने वाली खीर। हम 5:05 बोल गए थे फ्रेश। दोस्तों मैं हो चुका हूं और मैंने जो पहले का व्लॉग था बिठू का सेकंड पार्ट उसको मैं एडिटिंग कर रहा हूं। कुछ ही देर के बाद दोस्तों मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमारा ऑटो आने वाला है, उसके बाद आज हम नई डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो आपको भी ले चलते हैं उस नई डेस्टिनेशन में। तो आप इस व्लॉग में बने रहिए, कुछ ही देर के बाद हम आपको मिलते हैं ऑटो में। दोस्तों सुबह के 7:50 हो चुके हैं और अभी हमारा ई ऑटो आ चुका है और हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो चलिए हमारे साथ इस नई यात्रा में। सुबह का समय दोस्तों, ई रिक्शा और सुबह के समय में जो मौसम है कानपुर में उतनी गर्मी नहीं होती, और हम यात्रा में सुन रहे हैं कबीरदास जी के बहुत ही जीवन को बदलने वाले दोहे। तो दोस्तों आप खुद ही कल्पना करें कि यदि आप सुबह सुबह ऐसी यात्रा करेंगे वो भी धार्मिक स्थान की, तो आपको भी कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों सबसे पहली जो डेस्टिनेशन है वो हमारी है श्री सिद्ध बालाजी मंदिर, जो कि लगभग आधे घंटे के बाद हम वहां पर पहुंचेंगे। तो इस आधे घंटे में दोस्तों हम गांव से होते हुए निकलेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हरियाली भरा रास्ता है, बीच में रोड है और दोनों साइड पर हरे भरे पेड़ हैं, और सुबह का समय वो भी कबीरदास के भजन के साथ दोहे के साथ काफ़ी आनंद आ रहा है। आशा है आप भी इस ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। बालाजी मंदिर जाते टाइम पे दोस्तों राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो डेरा है व्यास में, उसकी जो सत्संग की जो स्थल है दोस्तों यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी सत्संग वगैरह का कार्यक्रम चलता रहता है। जो आप ये बाउंड्री देख रहे हैं ये पूरा का पूरा राधा स्वामी का डेरा है।
बस दोस्तों हम सिद्ध श्री बालाजी मंदिर पहुंच ही चुके हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है परिसर, वहां से ही दोस्तों सिद्ध बालाजी मंदिर शुरू हो जाता है। अभी कुछ देर के बाद दोस्तों हम भीतर से भी आपको पूरा का पूरा मंदिर दिखाते हैं। अभी हम बाहर प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं। अभी दोस्तों सुबह का 8:30 बजा है, हम श्री बालाजी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही दोस्तों आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको राइट साइड पर जूते और चप्पल रखने की आपको जगह मिलेगी, और थोड़ा सा आगे सामने आपको प्रसाद की भी जगह मिलेगी जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। मगर मंदिर के बाहर भी दोस्तों आप प्रसाद को खरीद सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे सुविचार लिखे हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं और अपनी मन की खुराक को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही मंदिर से हम प्रवेश करते हैं तो दोस्तों राइट साइड पर एक शिव का भी मंदिर है, जो भी वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल हम आपको ले चलते हैं बालाजी मंदिर परिसर की ओर। ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है सामने, वही सिद्ध बालाजी मंदिर है, और यहाँ पर संत सदन है जहाँ पर आके गुरुजी लोग रुकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं मंदिर है, और यहाँ पर दोस्तों सिद्ध श्री बालाजी सरकार मनोकामना पूर्ति घंटियाँ लगाई हुई है। जिन लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो यहाँ पर ऐसे करके घंटियों को बांध देते हैं। यदि आपकी भी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप भी यहाँ पर घंटा चढ़ा सकते हैं। अब हम आपको ले जाते हैं श्री बालाजी मंदिर। दोस्तों ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर जैसे ही आप चढ़ते हैं तो आपको सामने ही बड़ा सा प्रवेश द्वार मिलता है जिससे आप श्री बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। और बालाजी मंदिर के अंदर दोस्तों और भी मूर्तियां हैं जो कि हम आपको भीतर जाकर दिखाएंगे। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर का जो भीतर का परिसर है वहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर दोस्तों कई अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई हैं जिनका हम आपको एक एक कर दर्शन कराते हैं। तो आपको सामने ही दोस्तों हनुमान जी की मूर्ति दिखेगी, और उसके बाद दोस्तों दाएं में अलग मूर्तियाँ हैं, बाएं में अलग मूर्ति है, और सिद्ध श्री बालाजी हनुमान जी की मूर्ति है। और दोस्तों आज मंगलवार है तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको दर्शन करा रहे हैं राधा कृष्ण के। वहाँ पर ये भव्य प्रतिमा रखी हुई है राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की प्रतिमा के बाद दोस्तों दूसरी जो प्रतिमा है वो है दुर्गा माता की, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति आपको वहाँ पर दिखेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्र और उसकी अनुवा अर्थ लिखा है, और आप ये देख सकते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति आप देख सकते हैं। फिर हनुमान जी की मूर्ति आती है। हनुमान जी की मूर्ति को देखने के बाद दोस्तों इसी के बगल में है गणेश जी की मूर्ति, और उसके बाद आपको सामने दोस्तों शिव का मंदिर है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद ये प्रसाद की जगह है, और अब है ये शिव पार्वती की मूर्ति दोस्तों। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दत्तात्रेय की आपको रखी हुई है, ये दुर्गा माता की रखी हुई है मूर्ति। और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ मंत्र भी लिखे हैं जिसके जरिए आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अभी सिद्ध बालाजी हनुमान जी, और यहाँ पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड की किताबें पढ़ने के लिए लिखी है रखी हुई हैं जिसे आप पढ़ के वहाँ पर रख सकते हैं। अब आप दर्शन करिए दोस्तों श्री सिद्ध बालाजी हनुमान जी का दर्शन करिए। दोस्तों आज मंगलवार था जैसा कि आप जानते होंगे या आपने मेरे पहले ब्लॉग देखे हैं, तो जब मैं अहमदाबाद रहता हूं तो हर मंगलवार को वहां पर डबोड़ा हनुमान दर्शन करता हूं और वहां पर हनुमान चालीसा वगैरह करता हूं। तो यहां पर भी दोस्तों आकर मैंने जो है हनुमान जी के दर्शन किए, और वहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ देर बैठ कर हनुमान चालीसा का आप पाठ किया। आप भी दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। आशा है आपको भी हनुमान जी के दर्शन आपने कर लिए होंगे, आपकी हर मनोकामना
पूरी करने के लिए हनुमान जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें, यही हम आशा करते हैं। हमारे दोस्तों दर्शन हो चुके हैं, दर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ और राम का नाम का भजन करके दोस्तों हम मंदिर परिसर से बाहर आ रहे हैं, मतलब बालाजी मंदिर से बाहर आ रहे हैं। अभी हम आपको दोस्तों महादेव का जो मंदिर है उसका भी दर्शन कराते हैं, और यहाँ पर जो पहले गुरुजी थे उनका जो यहाँ पर समाधि बनाई गई है या उनकी मूर्ति स्थापित की है उनके भी आपको दर्शन करा देते हैं। तो आप चलिए हमारे साथ, ये जो आप देख सकते हैं स्मृति वाटिका है जो शर्मा जी की है, आपको अभी हम ले जा रहे हैं उनका जो मूर्ति बनाई गई उसके दर्शन करने को। और ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हवन आदि का कार्यक्रम समय समय पर चलता रहता है। यदि आप कानपुर में रहते हैं तो दोस्तों आप भी यहाँ पर आकर हवन आदि करवा सकते हैं। अभी हम आपको शर्मा जी की दोस्तों मूर्ति दिखाते हैं जहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई है, जिसकी इस मंदिर की स्थापना उन्होंने की है, तो आप ये देख सकते हैं। आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो दोस्तों आपको लेफ्ट साइड पर महादेव का मंदिर मिलेगा, अचलेश्वर महादेव, तो हम आपको उसके दर्शन कराते हैं। आप भी हमारे साथ दर्शन करिए, महादेव का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे, यही महादेव से आप सभी व्यूअर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हमने लिए माउंटेन ड्यू, सब लोग माउंटेन ड्यू पीने वाले, और ये देखिए प्रसाद खा रहे सब लोग। ये लो, सिद्ध बालाजी के दर्शन कर लिए वहाँ पर, आज मंगलवार था। जैसा कि आप जानते हैं यदि हमारे आप ब्लॉग देखते हैं तो हम हर मंगलवार को अहमदाबाद में हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, डबोड़ा हनुमान। तो डबोड़ा हनुमान जी के राजेश ने, हमारे मित्र ने वीडियो कॉल से दर्शन करा दिए हमें। अभी हम ठंडा पानी पी रहे हैं, गोलगप्पे का हमने टेस्ट कर लिया, अभी हम आगे यहाँ से जा रहे हैं विपश्यना के केंद्र। और यदि आपने कभी भी विपश्यना का अनुभव नहीं किया है तो हम आपको बोलते हैं अपने अनुभव से कम जीवन में 10 दिन का शिविर जरूर करें, तब आपको पता चलेगा ये जीवन का मूल्य कितना है, और आपको फीलिंग के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। जिस दिन आपको वो एक्सपीरियंस होगा उसके बाद आपके जीवन से दुख निकल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं विपश्यना का केंद्र, कौन सी जगह जा रहे हैं? धोड़ी घाट जा रहे हैं, वहाँ पर विपश्यना का केंद्र है, तो हम आपको दिखाएंगे। और ये रास्ते में दोनों साइड पे हरियाली है, और सुबह का समय है तो हवा चल रही है, मगर फिर भी कानपुर में गर्मी तो है ही। अच्छा, आप दोस्तों गांव का भी आनंद ले लीजिए, कानपुर के गांव का। ये देखिए यहाँ पर गाय, हैंडपंप आपको दिख रहा है, गांव वाले बैठे आराम से फुर्सत से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और प्रदीप भाई के साथ हम आनंद ले रहे हैं। ये देखिए
यहाँ से वहाँ तक पूरा रास्ता खराब कर रहे हैं। क्या ये देखो भैया, रोड बहुत प्यारी हो चुकी है, रास्ता खराब कर दिए। वात्सल्य आश्रम है, ये है ड्योड़ी घाट कानपुर मिटारा ड्योड़ी। अभी दोस्तों 9:36 हो चुका है, हम ड्योड़ी घाट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ही सामने दोस्तों हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मगर वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसलिए हम बाहर से आपको ये क्षेत्र दिखा रहे हैं। बाहर से आपको यहाँ पर सब्जी वाले मिलेंगे और यहाँ पर आपको लाइट रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दोस्तों, गंगा नदी है जहाँ पर लोग अस्थियों को विसर्जित करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग नौका विहार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर ही सामने दोस्तों महादेव का मंदिर था, वहाँ पर हनुमान जी का और दत्ता और क्या बोलते हैं परशुराम जी की भी मूर्ति वगैरह थी। वहाँ पर फोटो खींचना मना था, इसलिए हम फोटो नहीं खींच पाए। अभी हम आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी धूप हो रही है, अभी हो चुका है 9:50। अभी हम शायद बोटिंग करेंगे अगर बोट वाला आया तो। ये है घाट का नजारा, ये देखिए लोग नौका विहार कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। ड्योड़ी घाट पर दोस्तों आपको बंदर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें क्योंकि आपके हाथ से निकाल कर ये खा सकते हैं। अभी दोस्तों 10:00 है, हम ड्योड़ी घाट से अभी जा रहे हैं विपश्यना के केंद्र में। ये सब आप देख सकते हैं, ये पीछे सब बैठ चुके हैं। हाँ चलो, ड्योड़ी घाट से दोस्तों 5 की दूरी पर ही राइट हैंड साइड में मार्ग जाता है, वहां पर ही विपश्यना का केंद्र है, तो आप जरूर जाइए और साधना। ये रहा भैया आगे आपका विपश्यना केंद्र कानपुर, ये रहा। ड्योड़ी घाट से दोस्तों जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे ये आपको मिलेगा महामानव बुद्ध की महान विद्या विपश्यना का केंद्र है, जिसका नाम है धम्म कल्याण कानपुर अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना साधना केंद्र ढोड़ी घाट रूमा कानपुर, जिसकी की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 2012 में। अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं ताकि हम जीजा जी वगैरह को बताएं कि वो भी आकर यहाँ पर विपश्यना साधना करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी विपश्यना की 10 की साधना कर चुका हूँ। तो आपको लेके चलते हैं इस विपश्यना के केंद्र के भीतर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब हम विपश्यना के केंद्र के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर सारी सूचनाएं लगी हुई हैं, सिक्योरिटी वाले से हम पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो कितना यहाँ पर 10 का शिविर चलता होगा ना, 10 का, 3 का, 20 के, महीने का भी, रहना खाना सब यहाँ पर ही। तो अंदर घूम के आ सकते हैं, अंदर अलाउ नहीं, अभी चल रहा है शिविर, चल रहा है अभी। ये दोस्तों कानपुर का नंबर दिया गया विपश्यना केंद्र का, यदि आप कानपुर या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो कानपुर के इस विपश्यना केंद्र में 10 का शिविर विपश्यना का पक्का करें और आइए। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये राइट साइड पर ऑफिस है और सामने बड़ा सा अशोक स्तंभ है, और आप ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य नज़ारा है, हरियाली से भरा हुआ, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। तो हम आपको जहाँ तक दिखा सकते हैं वहाँ तक दिखाते हैं, ये एंट्री है, अभी यहाँ पर साधना चल रही है, आज ही उनका शाम को आर्यमौन टूटेगा, और इस प्रकार का ये परिसर है और सारी सुविधाएं यहाँ पर है। तो आप भी जरूर इस विपश्यना के केंद्र में आइए यदि आप कानपुर या आसपास रहते हैं, और यदि कानपुर से बाहर भी रहते हैं तो भी आ सकते हैं दोस्तों। ये ऑफिस का क्षेत्र है, आप दिए गए नंबर पर यहाँ पर इस मेरे वीडियो की जानकारी के हिसाब से उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये महिला के लिए रहने के लिए अलग होता है दोस्तों, और पुरुषों के लिए अलग रहता है, ये परिसर है। गाइस अभी हो चुका है 10:20, हम ये विपश्यना का जो केंद्र था यहाँ पर कानपुर में हमने सबको दिखा दिया, जितना भी उसका वीडियो शूटिंग हो सकता था हमने कर दी है। यदि आप कानपुर में रहते हैं या आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप जरूर 10 का विपश्यना करिए और अनुभव करिए, तो आपको पता चलेगा कि
मन को नियंत्रित करने की विपश्यना की जो विधि है उसके जरिए आप अपने सारों के सारे जो द्वार हैं वो ओपन कर सकते हैं और अपनी अंदर विराट शक्ति को जगा सकते हैं। होप कि दोस्तों ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अभी हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर और अभी हम घर जाते हैं, उसके बाद भोजन वोजन करते हैं। हमारी आज की दोस्तों यात्रा बहुत ही यादगार रही, क्योंकि जब आप परिवार के साथ यात्रा करते हैं तो आपकी यादें बहुत ही उससे जुड़ जाती हैं और जिससे आप अपने जीवन में उस ऊर्जा का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षेत्र में दोस्तों कई आश्रम भी हैं, मगर हमने इस व्लॉग के माध्यम से दोस्तों आपको तीन प्रमुख जगह दिखाई जो मुझे लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विपश्यना केंद्र ड्योढ़ी घाट में हनुमान जी का मंदिर, और तीसरा जैसा आपने देखा कि मंदिर जो है बालाजी का, वो दिखाया आपको। और यदि आप दूसरी जगह भी यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ज़रूर आइए और देखिए। शाम के टाइम पे सूर्यास्त के बाद बहुत आनंद आता हुआ है ना, ठंडा के टाइम पे या सुबह सुबह। ये जगह बहुत जोरदार है, खुली खुली एकदम आनंद आ गया, मजा आ गया। अब दोस्तों हम थोड़ा कुछ पेय पियेंगे, या तो हम गन्ने का जूस पियेंगे या हम लस्सी पियेंगे, उसके बाद हम घर की ओर निकलेंगे। अभी हम दोस्तों घर के कुछ ही दूरी पर हैं और यहाँ पर हमने रास्ते में अपना ई रिक्शा रुकवाया है। यहाँ से हम लस्सी पीते हैं और गन्ने का जूस पीते हैं और फिर हम पी के निकलेंगे घर की ओर। प्रदीप भाई को लस्सी पसंद आ चुकी है, मस्त। कैसा है, सही लग रहा है, मजा आया कि नहीं आया? आपने पी रहे हो, दिद्दू को मजा आया? ले लो प्रदीप भाई। गर्मी में दोस्तों लस्सी और गन्ने का रस पी के हमको काफ़ी आनंद आया, सबको अच्छा लगा। अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो दोस्तों नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अलग अलग व्लॉग देखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी के लिए आपको हम अलविदा करते हैं, फिर मिलेंगे कल और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,